क्रिकेट की खबरों के साथ स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट मलाई पर। दोस्तों, बिहार का नाम आते ही लोगों का ध्यान आईएएस आईपीएस की तरफ जाता है, लेकिन आज महज 13 साल का बच्चा क्रिकेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है। ऐसे बिहार में एक कहावत काफी मशहूर है, पुत्र के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं छोटी उम्र में रणजी खेलने वाले क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की, जो कि बाएं हाथ के विस्फोटक बल्लेबाज हैं। इस वीडियो में हम उनके सफर के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वैभव बिहार के समस्तीपुर जिले के ताजपुर के रहने वाले हैं। वैभव के पिताजी का नाम संजीव सूर्यवंशी है, जो पेशे से किसान हैं। वैभव का जन्म 27 मार्च 2011 को हुआ था। वैभव ने बचपन से ही क्रिकेट में दिलचस्पी दिखाने शुरू कर दिए थे। वैभव ने 5 साल की उम्र से ही क्रिकेट खेलना शुरू किया। वे शुरू से ही लेदर बॉल से प्रैक्टिस करते थे। वैभव की प्रतिभा को देखते हुए उनके पिता संजीव सूर्यवंशी ने 7 साल की उम्र में वैभव को समस्तीपुर क्रिकेट एकेडमी लेकर आ गए। वैभव ने यहां पर लगभग 3 सालों तक क्रिकेट खेला। फिर उनके पिता ने पटना के संपत चक्की स्थित जेनेक्स क्रिकेट एकेडमी में शामिल करवा दिया। वैभव ने 10 साल की उम्र में ही बड़े बड़े मैच खेले और सीनियर मैच में भी रन बनाने शुरू कर दिए। वैभव पिछले 1 साल में 49 शतक ठोक चुके हैं, साथ ही साथ 3 दोहरे शतक भी ठोक चुके हैं। पिछले साल हुए हेमंत ट्रॉफी के लीग और सुपर लीग मैच में सबसे ज्यादा 670 रन बनाकर वह पूरी दुनिया में छा गए थे। सबको उनका नाम पता चल गया था कि भाई बिहार का एक खिलाड़ी है। बच्चा जरूर है, लेकिन क्या कमाल का खेल दिखाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वैभव सी के नायडू ट्रॉफी में भी रन बना चुके हैं। बेंगलुरु में उनका सिलेक्शन चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हो गया। फिर वहीं से वह गुवाहाटी गए और इस खेल के बाद उनका सिलेक्शन अंडर 19 इंडिया के लिए भी हो गया। सिर्फ 12 साल की उम्र में अंडर 19 इंडिया भी पब ऑफ खेल चुके हैं। आंध्र प्रदेश में हुए मैच में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ 50 रन ठोके थे, यानी कि भारतीय डोमेस्टिक ट्रॉफीज में भी अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं। गजब का खेलते हैं और अब तो रणजी ट्रॉफी तक भी पहुँच गए हैं। अगर इसी रफ्तार से वह आगे बढ़ते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं कि इंडिया टीम के लिए भी दरवाजा खुल जाए। वैभव उस समय और भी लाइमलाइट में आ जाते हैं जब बिहार की राजधानी पटना के मोइनुल स्टेडियम में बिहार और मुंबई के बीच रणजी ट्रॉफी मैच में वैभव सूर्यवंशी ने 12 साल 284 दिनों की उम्र में ही बिहार रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया। यह बहुत बड़ी बात है। इस प्रकार वह सबसे कम उम्र में रणजी में डेब्यू करने वाले दूसरे खिलाड़ी बने हैं। वैभव ने वह काम किया है जो 20-20 साल वाले खिलाड़ी भी नहीं कर पाते हैं। जब सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट की दुनिया में 15 साल और 232 दिनों की उम्र में कदम रखा था, तब सबने कहा था कि यह बच्चा कैसे खेल पाएगा, लेकिन उसी बच्चे ने अपने बल्ले से जवाब दिया और बन गए दुनिया के सबसे महान क्रिकेट प्लेयर। ऐसे ही सिर्फ 12 साल 284 दिनों की उम्र में जब वैभव को रणजी में शामिल किया गया, तब सभी लोगों का इसी तरह का रिएक्शन था। हम सब भारतवासी ऐसे प्रतिभावान खिलाड़ी को तहे दिल से स्वागत करते हैं और उन्हें इंडिया के लिए खेलते देखना चाहते हैं, जो आगे चलकर देश का नाम रोशन करे। इस खिलाड़ी पर आप सभी लोगों की राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।